मौशी इस्तेहकाम कमीशन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार अमरीका रवाना, आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत करेंगे। IMF से कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त करेंगे। बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त भी की जाएगी। पेट्रोलियम नेवी और बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुंजमद करने से मुतालिक भी IMF से बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए DG रेंजर्स मेजर जनरल असर वकास की मुलाकात। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने DG रेंजर्स को पोस्टिंग पर मुबारकबाद दी। हाफ्साबाद में चेयरमैन टेप्टा पंजाब मामून जाफर तारड़ के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मेंबर पंजाब असम्बली घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मौशी इस्तेहकाम कमीशन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार अमरीका रवाना, आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत करेंगे। IMF से कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे। बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त भी की जाएगी। पेट्रोलियम नेवी और बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुंजमद करने से मुतालिक भी IMF से बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए DG रेंजर्स मेजर जनरल असर वकास की मुलाकात। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने DG रेंजर्स को पोस्टिंग पर मुबारकबाद दी। हाफ्साबाद में चेयरमैन टेप्टा पंजाब मामून जाफर तारड़ के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मेंबर पंजाब असम्बली घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।